अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा मकान सिर्फ अभी तक पर्दियाँ वगैरह खड़ी हो रही थी, अब लेंटर के करीब हो चुका है। शटरिंग वाले ने सारा काम मुकम्मल कर लिया है। तो फ्रंट डिज़ाइन भी माशाल्लाह बहुत सोना बन गया, दो बारियाँ भी आ गई, तो नीचे दो दुकानें बन गई हैं। ये ईंटे बजरी सारा सामान आया पड़ा है, अब सिर्फ लेंटर वाली जो मशीन है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये दो दुकानें बहुत, ये तो बहुत बड़ी दुकान आ गई, ये साथ वाली इसके अंदर पौड़ी आ गई, इस वजह से छोटी रहेगी, एक साइड इसकी छोटी है, बस इतनी सी ये दुकान रहेगी। वो पीछे फटियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये इजाफी होगी शटरिंग वाले से, इसलिए ये ईंटें इस वजह से पड़ी हैं कि जब जिस तरह लेंटर बना सी तो इन्हें जो सपोर्ट आते बने रखी गई है, इटा ये जाया नहीं की थी आना, इधर रेता भी आया पिया। हूँ तू उत्ते चल के दिखाने है उत्ते किस तरह का नक्शा बना है। तो किचन भी बन गया, दो कमरे भी बन गए, तो नाल ही वाशरूम भी, नाल जड़ी मशीन होंगे कपड़े धोवन वाली या इस तरह दूसरी सुकाव वाली कपड़े सुकाव वाली, इन्ह दोवों बन गई ने, जगह भी बन गई, नाल अलमारी पिछले साइड तो अलमारी बन गई। हाँ लेंटर दी पट्टियां भी इजाफी हुई पंजा भी इजाफी हुई फिर इन्ह उत्ते मुकम्मल शटरिंग कर दी। आ सीढ़ी तो उत्ते चढ़ के तुम दिखावे आ पिछला मॉल है, आ भी हले तक जगह बनानी है, एक हले तक जगह बनानी है, सिर्फ करीब तकरीबन एक साल बाद। तो आ वाशरूम आ गया, पिछली साइड तो दो आ गई जिते मशीन वगैरह रखी ने या और चीज़ इस तरह इजाफी इतने आ जा। आ किचन आ गया जी, आ किचन की अलमारी मगर किचन की जगह आ वड्डा कमरा आ गया, इन्हें भी अलमारी आ गई वाह वास्ते। तो आ भी आ छोटा उस नाल कमरा है, इस साइड तो दरवाजा लगा हुआ है, ए आ जा सकते हैं हवा सवा वास्ते। इत बिल्कुल सूरज सामने, जिस दिन सर्दियाँ आवन गई बिल्कुल सूरज सामने होगा, धुप सेक रहे होंगे। तो हूँ सीढ़ियाँ इतने मुकम्मल हो बजरी वगैरह हुई पी है, ओके हो सारा काम। हूँ तुम उत्तों के नज़ारे विखाने हैं कि शटरिंग वाले उत्ते फटे किस तरह लाए हैं, तो की शह उ लगी हुई है, किमें लेंटर पैंता है। हले तक वो मशीन नहीं आई, मशीन आवनगियाँ तकरीबन दो दिन बाद, तो वह भी तुम सारा नज़ारा विखावे। हाँ फटे पे हैं व्डे, ये तो हम बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए इस वजह से फिक्स हो पे, दियारी भी सारा समान इतने पी है, इतने रख जाते कुछ दिशाई पी है खर्चा भी ऐसी। हाँ भी आ शरीय बैक बदे हुए केले भी लाने इतने पैन, पिछले आज दो तीन दिन पहले ना गाय मंजी चौंक गई मेरी, तो बड़ी मुश्किल ना बाली का एक निशाई आया, उन्हें बड़ी चरस दी ना लोड़ पै गए, तो इस वजह तो चार पाए चोरी हो गए। तो उत्थे वो दुकान खाली उत्थे गाय तो मंजी छाड़ गया, मुड़ो उस तो बाद एक दिन बाद लभी। हाँ तुम सारा वेख लिया, जिस दिन आवनगे ना मशीन मशीन उस दिन थानू विखावे बकाया जड़िया मशीन आवनगियाँ लेंटर पावन वाली किस तरह इटा उतना आदि सीमेंट उतना आता है उत्ते आएगा। तो अभी तक वायरिंग वाला को कॉल की है, ये दो दुकानों के नीचे वाली ना वायरिंग अभी तक करानी है मुकम्मल। तो वायरिंग वाला तकरीबन आज नहीं, आज वो कह रहा मुझे यार छुट्टी दो, मुझे बुखार नजर है, तो सुबह उसको ना सुबह वो आएगा कॉल करेंगे उसे, इसलिए आएगा। ये भी गाय जारी यहाँ पर लगेगी वाह वाह के लिए, यहाँ पर गाय से दीवार आ जाएगी, जैसे वो छोटी सी दीवार बनी हुई ऐसे ऊपर आ जाएगी दीवार सारी मुकम्मल। तो इसके अंदर दूसरा लग जाएगा बिजली वाला सारा
लेंटर के अंदर बिजली वाला तारे तुरे सारा मुकम्मल हो जाएगा तो डिज़ाइन वगैरह बन जाएगा। तो फिर आपको दिखाएंगे सीलिंग वगैरह भी इसके अंदर, दुकान के अंदर सीलिंग और पत्थर भी मुकम्मल कर दिए जाए, मुकम्मल करेंगे। तो फ्रंट डिज़ाइन जो बना हुआ, जब ये सारा कार मुकम्मल हो गया ना, मिस्त्रियों से जान छुटेगी, फिर उसके बाद रंग वगैरह भी करेंगे, प्लस्तर सारा कम हो जाएगा, रंग वगैरह सीलिंग वो आपको गाइस सारा दिखाएंगे ना, बस आपने हमारी वीडियो लाजमी दे। तो गाइस शरिया वगैरह सब सामान मुकम्मल हो ही रहा है। तो अब साजद मिस्त्री साहब आ गए हैं ऊपर छत के ऊपर, जो भटियाँ हैं ना उसको चेक कर रहे हैं, सही लगी हुई हैं कहीं से नीवी उचिया तो नहीं, सारे हाथ सड़े ना चेक कर रहे हैं, टैला टूला लिया ने उनका पता नहीं की किया, हूँ उत्ते चढ़ के चेक करने। अस्सलाम वालेकुम, साया गिर गया, साया घर गया, साजद मिस्त्री साहब घर चले गए। ये हम की कर दे मैंने टोटल एक डिजाइन बनाना है, ओ फ्रंट पर्दी दा, ये हम फ्रंट पर्दी दा डिजाइन बनावन लगे। मिस्त्री साहब घर चले गए, शाह साहब उन्होंने इतने छड़ गए, आ जड़े थले सुराख है गए सी उन्होंने पोर कर दिता नहीं, आ सुराख ले फिर एवें अगर एवं छड़ देने थले सीमेंट भी चला जाए तो बजरी, इस वजह तो आप बंद कर दिते। शाह साहब इन तो गाने सुन रहे हैं, आ टैलां आ गई उन्होंने इतने पर्दी का डिजाइन बनेगा बेहतरीन। इतने वाशरूम बने तो इस करके जगह नहीं है थले, तो इतने को कमरा आ जा सी, एक वाशरूम आ जा सी, एक किचन आ जाएगा, तो लेंटर वगैरह मुकम्मल हो गया, तो वह भी तुम सारी तफसील वीडियो दिखावे। तो डिजाइन जिस दिन बनेगा तो डिजाइन जिस बनेगा तुम गाइज वो भी विखावे, नैक्सट वीडियो तुम डिजाइन भी विखावे किस तरह का बने, तो लेंटर भी, लेंटर वाली मशीन सारी आवनगियाँ तकरीबन सुबह आवनगियाँ, शाह साहब सुबह आवनगियाँ लेंटर वाली मशीन भी, तो उस तुम सारी वीडियो डिटेल में विखावे। नैक्सट वीडियो तुम्हें लाजमी देखनी है, ये भी देखनी ना, लाइक भी करना ना सबसक्राइब भी करना। तो गाइज बुरे लगता है सीढ़ियों पर कोई आ रहा है, नौ जी ठेकेदार साहब आ रहे हैं, ठेकेदार साहब आप कहाँ चले गए यार, आपकी वीडियो बनानी थी, डिजाइन किस तरह का बनाना यार, ठेकेदार साहब तुझे चंगे भाई ने ना सुबह सानू टाइम दिता ना फोन दिता है, डिजाइन मियां जे जाग सब बना दे सा दूसरे काम ते सी मैं। अच्छा हां, अच्छा इन्होंने होर भी काम किया है, एदू वेले आवन दो दे एक थी ना दोषकार कर रहे है वे ना, एवें शाह साहब छत गाने सुन रहे हैं। अच्छा हां जी गाने सुन रहे हैं, हां जी शरिया भी मुकम्मल हो गया है, और शरिया सीधा करना रियाज आएगा, हां रियाज आएगा, ये शाह साहब है जो डिजाइन बनवाएगा मुझे। अच्छा चलो गाइस देख ले, एक मिनट वेट करने का यही फायदा हो गया कि आपको डिजाइन भी दिखाते हैं किस तरह का बनेगा। तो गाइस ठेकेदार साहब ने कहा यार घंटा को लग जाएगा, लेकिन मैंने कहीं काम जाना है जल्दी से, तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे डिजाइन किस तरह का बना हुआ है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।